हरियाणा वासियों को पहले तो जलाशक्ति संगठन की ओर से मेरा नमस्कार है। और जलाशक्ति संगठन द्वारा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर आजकल काफी वायरल है बेटा बचाओ अभियान। इस बेटा बचाओ अभियान का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि युवतियों और महिलाओं द्वारा जो युवकों और पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जैसे कि दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे आरोपों को, जिसमें सबसे ज्यादा अभी फौजियों के मामले भी सामने आए हैं, ठीक उसी प्रकार से मुझे हरियाणा में मुख्यमंत्री माननीय महोदय के मुंह से सुनने को मिला इसमें एक मंच के दौरान कि माननीय ने यह कहा है कि यदि किसी महिला द्वारा पुरुष पर आरोप लगा दिया जाता है तो सबसे पहले उसकी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। तो मुझे इससे बहुत आपत्ति है, चाहे उन पुरुषों, निर्दोष पुरुषों का मुझे बहन कह लीजिए, उनकी माँ कह लीजिए या उनकी बेटी कह लीजिए, लेकिन एक आम नागरिक अनुसार भी मैं उनके इस स्टेटमेंट के विरोध में जा रही हूं। और जैसा कि मैं उनसे कहना चाहती हूं कि एक बार कृपया करके उन्होंने यदि आम जनता के हित की अगर वो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी कि जितने भी मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं सबसे पहले उन पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। और आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा हाईलाइट एक मामला हुआ था जिसमें बस में बैठी हुई दो युवतियों ने तीन युवकों की बेल्ट से पिटाई की थी और उनको बाद में मर्दानी का नाम भी दिया गया था, लेकिन जब उसकी जांच की गई तो झूठी पाई गई। क्या सरकार ने उन बेटियों के खिलाफ, उन मर्दानियों, झूठी मर्दानियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन निर्दोष बेटों के जिनकी नौकरी चली गई थी उस समय जिस वक्त वो अपने फौज की तैयारी कर रहे थे, उनके बेटों, उनकी माताओं का क्या दोष था, उनके पिताजी का क्या दोष था, उनकी बहनों का क्या दोष था जो सपना देख रहे थे बचपन से ही कि वो बेटा बड़ा होकर हमारी भारतीय सेना की फौज में भर्ती होगा और उन्हें गर्व होगा कि हमने अपने बेटे को वहां तक पहुंचाया है। उस माँ की, उस पिता की और उस बहन की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि एक महिलाओं के हित में बने कानून का ये दुरुपयोग लगातार बढ़ता जाएगा और ऐसे बच्चों को वहां भारतीय सेना से दूर रहना पड़ेगा। उन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की गई वो तो अलग बात है, लेकिन जब उनको निर्दोष पाया गया क्या उनकी नौकरी वापस दिलाई गई? क्या उनको कहा गया कि हम अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं या उनको नौकरी दी गई? लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमारा आम नागरिक अपने पेट काटकर सरकार को कर देता है, क्या उस कर का सही उपयोग हो रहा है? वो कर ऐसी युवतियों को दिया जाता है जो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं या फिर सदुपयोग भी करती हैं और किसी पुरुष पर आरोप लगाती हैं तो उनको वो राशि, सहयोग राशि के रूप में सरकार द्वारा प्रदाय की जाती है। क्या जब ये मामले झूठे पाए जाते हैं तो उन महिलाओं से वो राशि वापस ली जाती है? कदापि ऐसा नहीं होता। तीसरी बात मैं करती हूं कि हमारे हरियाणा में अभी एक प्रदेश अध्यक्ष बराला जी की बेटे पर, एक आईएएस ऑफिसर की बेटी ने आरोप लगाया था छेड़छाड़ का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बराला जी ने कहा था कि मेरा और बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या मैं ये मान लूं कि भारतीय सरकार, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उन पर आरोप नहीं लगता, सिर्फ आम जनता पर आरोप लगता है? या मेरा माननीय मुख्यमंत्री से एक ही सवाल है, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन यदि किसी महिला द्वारा आप पर आरोप लगाया जाता है तो क्या आप अपनी सरकारी सुविधाएं बंद कर पाएंगे? सबसे पहले इस बात का जवाब। दूसरा, यदि आप इस तरीके से महिलाओं के हित में बने कानून का और कड़ी तरीके से उनका पक्षपात करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो क्या मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगी कि यदि आप पुरुषों के विपक्ष में जा रहे हैं तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या ये महिलाएं सिर्फ वोट देती हैं आपको? ये महिलाएं वोट बैंक भर रही हैं, पुरुष आपको वोट नहीं देते हैं, तो पुरुषों के हित में ये बात क्यों नहीं होती है? यदि पुरुषों के हित में बात नहीं होती तो मुझे तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं? आप मुझे सीधा सा ये जवाब मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री से चाहिए।